हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? और जो क्लास से 8वीं का आपका थर्ड चैप्टर है, चतुर्भुजों को समझना, आज हम इसी तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुजों को समझना, यानी चतुर्भुजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। चतुर्भुजों को समझना, अब बच्चों विस्तार से चर्चा करेंगे चतुर्भुजों के बारे में कि चतुर्भुज कितने प्रकार की होती है। चतुर्भुज, प्यारे बच्चों, हमने चतुर्भुजों को समझना वीडियो के भाग एक में क्या क्या चर्चा की थी, जरा बताइए। सर जी, वक्र के बारे में, बंद वक्र व खुला वक्र क्या होता है? सर जी, बहुभुज क्या होता है? वह बहुभुज के प्रकार के बारे में। सर, चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। सर जी, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है वह उसके गुणों के बारे में तथा सम चतुर्भुज क्या होता है वह उसके गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। बिल्कुल सही कहा बच्चों, हमने वीडियो के पार्ट एक में वक्र, बहुभुज, बहुभुज के प्रकार, चतुर्भुज व चतुर्भुजों के प्रकार, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद आता है आयत। आयत की भी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है और समान होती है। ये ए बी सी डी एक आयत है। ए बी समानांतर सी डी और समान भी है। ए बी और सी डी के आपस में समान है। ए डी समानांतर भी है बी सी के और समान भी है, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और यदि हम इसके विकर्ण के बारे में चर्चा करें, जो ये एसी है ये इसका एक विकर्ण है और ये बीडी एक विकर्ण ये है। विकर्ण एसी व बीडी दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं आयत की और आपस में समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये ओ बिंदु है, आपस में समद्विभाजित का अर्थ है ओसी बराबर एओ और बीओ बराबर ओबी। यानी आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, वह आपस में समद्विभाजित करते हैं। जैसे बच्चों आपको मैं आकृति दिखा रहा हूं, ये आयत है इसकी, देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से आमने सामने की भुजाएं समान है, समानांतर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और जो विकर्ण है वो बराबर है और समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी, ये एक वर्ग, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों भुजाएं समान होती है। और जो इसका विकर्ण होता है बच्चों, विकर्ण ए सी व विकर्ण बी डी, विकर्ण ए सी व विकर्ण बी डी दोनों ही समान होते हैं, वह लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी मान लीजिए ओ बिंदु पर ये समद्विभाजित करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एओ बराबर ओसी और बीओ बराबर है ओडी, यानी बीओ और ओडी बराबर है और एओ और ओसी बराबर है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में लंब, लंब का अर्थ है
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, और साइड भी 90 डिग्री का है, यानी 90-90 डिग्री के कोण पर, यानी आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे आपको मैं आकृति दिखा रहा हूं, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समान, चारों की चार भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, विकर्ण बराबर है, आपस में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समलंब, समलंब में क्या होता है, जैसे इस बहुभुज में एक युग्म समानांतर भुजाओं का होता है, समलंब में एक युग्म में समानांतर भुजाओं का होता है, जैसे ए बी सी डी, यानी डीसी और ए बी आपस में समानांतर है, इसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। जैसे मैं आकृति दिखाना चाहूंगा समलंब चतुर्भुज की, ये आपकी समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है, यानी एक युग्म में समानांतर भुजाओं का होता है, और यहाँ पर ये भुजाएं समानांतर नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आता है पतंग, छठी टाइप है इसमें पतंग। पतंग में जैसे हमें आकृति, अगर हम पतंग की बनाना चाहें, ये पतंग है, इसका अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी और ए डी दो भुजाएं आपस में समान है, या हम ये कह सकते हैं आसन भुजाएं, जो आसन भुजाएं होती है वो आपस में समान होती है, नीचे बी सी व सी डी ये भी आपस में समान है, और कोण बी बराबर कोण डी ये कोण आपस में समान होते हैं, लेकिन ये कोण आपस में समान नहीं होते, कोण और सी पतंग के जो विकर्ण होते हैं आपस में, बी डी विकर्ण है, ये मान लीजिए ओ बिंदु है, ओ बी बराबर ओ डी ये तो समान होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये समद्विभाजित करता है विकर्ण एसी को भी, एसी विकर्ण को जरूरी नहीं है कि ये समद्विभाजित करे, तो हम ये कह सकते हैं पतंग के विकर्ण जो आपस में है, एक विकर्ण जो सम्मुख कोण समान होते हैं वो समद्विभाजित होता है, के बारे में अभी विस्तार से चर्चा की इस चैप्टर में, चतुर्भुजों के बारे में ही दिया हुआ है, जैसे किस प्रकार की है ये आप देख रहे हैं, नंबर एक ही की थी हमने स्टार्टिंग में, समानांतर चतुर्भुज सभी गुण बता दिए थे, उसके बाद क्या था ये, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ये कर देता हूं, क्या होगी ये सम चतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं समान, और उसके बाद हमने चर्चा की थी आयत, ये आयत होता है, और उसके बाद हमने वर्ग के बारे में चर्चा की थी, ये वर्ग, और उसके बाद समलंब, ये समलंब, और उसके बाद लास्ट में हमने किया था पतंग, ये पतंग की आकृति आपके सामने है। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज के बारे में हमने, उसकी टाइप बहुभुज कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी चर्चा की, अब इनके बहुभुजों के कोणों के बारे में और थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए आपने त्रिभुज की है पिछली कक्षा में, ये त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोण जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, जैसे ए बी सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए चतुर्भुज लेते हैं, ये कोई भी चतुर्भुज है, इसमें दो त्रिभुजें बन गई, एक ये और एक ये, 180 डिग्री 180 डिग्री,
यानी हम कह सकते हैं चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम पंचभुज करें, पंचभुज के अंदर कितना हो जाता है, जैसे ये मान लीजिए ये पंचभुज बना लेते हैं, ये पंचभुज बन गई और यहां पर यदि हम देखते हैं ऐसे कितनी त्रिभुज बन गई 1, 2, 3 और यहां पर इसके कोणों का योग होगा 540 डिग्री, 180, 180 और 180 डिग्री। अब इसमें क्या है, एक फॉर्मूला निकल आता है, यहां से एक सूत्र बन जाता है कि बहुभुज के कोणों का योग, बहुभुज के अंत कोणों का योग, यानी हम ये कह सकते हैं एन माइनस दो गुणा में 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज है, अब अगर हम सूत्र से निकालना चाहें बहुभुज के कोणों का योग, एन क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज है, एन की जगह 3 रखें, 3 माइनस दो गुणा 180 डिग्री। चतुर्भुज का निकालना है 4 माइनस दो, 2 गुणा 180 360 डिग्री। पंचभुज का निकालना है 5 माइनस दो गुणा 180 यानी 3 540। यानी इस प्रकार किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकाल सकते हैं, अंत कोणों का योग। षटभुज हो सकती है, सप्तभुज हो सकती है, कितनी बहुभुज हो, एन की जगह भुजाओं की संख्या रखें। किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण जब हम निकालते हैं 360 बटा एन, एन क्या है, भुजाओं की संख्या। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर हमने बाह्य कोण निकालना है, मान लीजिए त्रिभुज का बाह्य कोण निकालना है, एन की जगह हम क्या रखेंगे 3 और त्रिभुज का बाह्य कोण अगर हम निकालते हैं 360 बटा में 3 120 डिग्री। ये समबाहु त्रिभुज, समबाहुज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों इस पर आधारित अब हम कुछ प्रश्न करते हैं, आपने प्रयास करना है उन प्रश्नों के ऑप्शन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुभुज में भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती, ऑप्शन फर्स्ट 6, सेकंड 5, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन 2, आप विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 2, कौन सा बहुभुज का प्रकार नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट उत्तल, सेकंड ऑप्शन अवतल, थर्ड ऑप्शन वृत्त और फोर्थ ऑप्शन सम बहुभुज। प्रश्न नंबर 3, किस बहुभुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट समांतर, सेकंड ऑप्शन आयत, थर्ड ऑप्शन समलंब और फोर्थ ऑप्शन समचतुर्भुज। प्रश्न नंबर 4, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप हमेशा होता है, ऑप्शन फर्स्ट 180 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 540 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 360 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 5, बच्चों इसमें आपने कारण बताना है, जैसे निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए और इसका आपने कारण बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। ऑप्शन फर्स्ट, क्या समानांतर चतुर्भुज को आयत कह सकते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या समचतुर्भुज वर्ग होता है, फोर्थ ऑप्शन क्या वर्ग आयत होता है। बच्चों जो आपने प्रश्न किए, आपने उनके आंसर अपने हिसाब से किए हैं, तो उनके आंसर मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएगा बहुभुज में भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती, दो आंसर आएगा इसका। और प्रश्न नंबर 2 में कौन सा बहुभुज का प्रकार नहीं है, इसमें वृत्त, क्योंकि रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है ये। प्रश्न नंबर 3 में
आएगा किस बहुभुज के विकर्ण है, लंब समद्विभाजित करते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण, यानी सम चतुर्भुज आएगा। प्रश्न नंबर 4, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों में माप हमेशा होता है, 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप। प्रश्न नंबर 5 में क्या समानांतर चतुर्भुज को आयत कह सकते हैं, असत्य आएगा पहले का, क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री के एंगल नहीं होते। दूसरे का, क्या आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, इसमें सत्य है क्योंकि आयत के अंदर समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान है। और तीसरे का आएगा इसमें, क्या समचतुर्भुज वर्ग होता है, ये आएगा असत्य है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण समचतुर्भुज का 90 डिग्री का नहीं होता और ना ही उसके विकर्ण वर्ग के विकर्ण की भांति बराबर होते हैं। और चौथे में आएगा, क्या वर्ग है, फोर्थ में, क्या वर्ग आयत होता है, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि वर्ग में आयत के सभी गुण विद्यमान है। तो बच्चों ये आपने प्रश्न किए और ये इनके आंसर है, इन पर अच्छे से विचार करना। जय हिंद, जय भारत।